तो सबसे पहले हमें एक सर्कल चाहिए, हमें एक सर्कल ले लेते हैं। फिर सर्कल को हमें सर्कल के हेल्प से अंडाकार शेप बनाना है, तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मिडिल से एकदम इसके सेंटर से करके एक लाइन खींचेंगे। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, चलिए मैं ये कलर ले लेता हूँ। तो हम लोग एक लाइन खींच लिए सेंटर में, और ये हो गया हमारा एक अंडाकार शेप फेस का। अब हमें इसका पूरे ये साइज का, ये फेस का पूरा साइज हो गया। अब हम इसको आधा, ध्यान रखना ये सर्कल का आधा नहीं है, ये पूरे फेस का ही आधा है, तो पूरे फेस का आधा ये हो जाएगा हमारा आई लाइन। यहाँ पे हमारा इस लाइन पे आई बनेंगे। फिर इसके जस्ट ऊपर आईब्रो, इस लाइन पे आईब्रो बनेगा, और आईब्रो से अब हमें आई लाइन को छोड़ के ये आईब्रो से ये चिन्ह है टूटी, फिर इसको हमें आधा करना है जो कि यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ये दो पार्ट बन गए, मतलब इक्वल इक्वल दो पार्ट बन गए, ये हो गया वन, ये हो गया टू, और इतना ही बड़ा हम ऊपर एक लाइन ले लेंगे, ये हो गया तीन, ठीक है। तो हमारा जो फेस है वो तीन बराबर बराबर भागों में बटा हुआ है। यहाँ से हो गया ये फोरहेड, ये आईब्रो, आईब्रो से फोरहेड तक एक भाग, फिर आईब्रो से ये हो गया नोज, नोज तक एक भाग, फिर यहाँ से नोज से नीचे टूटी तक एक भाग, ये तीन बराबर भाग हो गए। तो अब देखिए अब हमें बनाना है इस पर, अब ये हमारा बन गया। इसको हमें आँख बनाने के लिए, आई जो बनाएंगे उसके लिए मैं एक ऊपर एक लाइन बना देता हूँ, और इसको ध्यान में रखना है जब भी हम आँख बनाते हैं तो हमें आँख के लिए स्पेस मार्क करना है। तो देखिए ये एक चीज़ ध्यान रख लीजिए कि दो आँखों के बीच में एक आँख का गैप, दो आँखों के बीच में एक आँख का गैप होगा, मतलब जितना बड़ा हमारा आँख रहेगा उतना ही बड़ा बीच में एक गैप भी रहेगा। चलिए तो अब हमें ये देख लेना है, ये हो गया हमारा आँख, तीनों इक्वल पार्ट हो गए, तो इस पर हम आँख बना देते हैं। और एक एक चीज़ का डिटेल फिर जानने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो का सहारा लेंगे, अभी आप सिर्फ ये जानिए कि एक पोर्ट्रेट में ये कौन से पार्ट कितने बड़े कहाँ पे होते हैं, ठीक है। फिर अब इसके ऊपर आईब्रो, आईब्रो ऐसे बनाना है, इसके बाल का भी एक पैटर्न है, यहाँ से ऐसे बाल होंगे और ये ऐसे होते होते फिर इधर ऐसे एंड। हम कर लेते हैं, आईब्रो बन गया। अब देखिए यहाँ पे हमें नाक बनाना है, इस लाइन पे नाक बनाने के लिए ये आँख से एक, ये आँख से होते हुए ये लाइन के लिए हमें ये लाइन के बाहर ही, थोड़ा सा बाहर ही हमारा नाक रहेगा, थोड़ा सा बाहर। हम जैसे ब्रैकेट बनाते हैं ना मैथ का, ऐसा एक दो ब्रैकेट बनाएंगे, फिर ये कर देना, ये हो गया आपका नाक, एकदम इजी है। अब देखिए अब देखना है हमारा लिप कहाँ रहेंगे, और ये जितने भी ये लाइन हो रहे हैं गाइडलाइंस हैं, इनको देख के घबराना नहीं है क्योंकि बाद में सब फिर से मिट जाएंगे। तो चलिए अभी अब हमको ये जो सेक्शन है इसको
तीन बराबर बराबर भागों में बांट लेना है, तीन बराबर, मतलब ये लाइन यहाँ आएगा तो हमें इसी पे हमारा लिप बनेगा, ये हो गया लाइन दोनों लिप के मिडिल में, ठीक है। इसके ऊपर में अपर लिप है, और नीचे में हो गया फिर इसके नीचे। अब देखिए अब बच गया क्या, कान। तो कान कितना बड़ा होता है तो ये ध्यान देंगे, इसमें कान होता है हमारा आईब्रो से लेकर नोज तक, किसी किसी का थोड़ा कम ज़्यादा भी होगा वो नहीं जानना है, वो सबका थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। कॉमनली ये है कि हमारा एक आइडियल जो साइज है वो ये है आईब्रो से लेकर नोज तक। फिर कान का डिटेल ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसको हेयर, तो हेयर के लिए अब देखिए ये हमारा हो गया सब कुछ, कोई भी मान लीजिए लड़का का एक बॉय का फेस है तो हेयर स्टाइल करते हैं, ये जो सर्कल है इसको आप ऊपर का स्कल मानिए, और अगर बाल कितना ऊपर है नीचे है स्कल में सटा हुआ है उसके हिसाब से आपका हाइट हो जाएगा, ठीक है। ये गर्दन ये हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा फ्रंट फेस, ठीक है बच्चों। तो इसे आप लोग बना लीजिए और डिफरेंट डिफरेंट ट्राई कीजिए। थैंक यू।